हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज 4 मार्च है एंड मम्मी जी पापा जी का आज एनिवर्सरी है। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि एनिवर्सरी को कुछ सेलिब्रेट करेंगे अलग तरीके से, बट क्या है, पापा जी इस बार बहुत तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोले कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं डॉक्टर उनको बाहर का खाने के लिए सब कुछ मना किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें कुछ बन नहीं सकता। हम लोग रेस्टोरेंट भी नहीं जा पा रहे इस बार, एंड केक तो पापा जी को बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मम्मी जी को डायबिटीज़ है। उनको पता है कि केक अगर घर में आएगा तो थोड़ा भी वो खाएंगी, जिसके वजह से पापा जी एकदम मना किए हुए हैं। अगर वो नहीं रहते तो हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते, सो नहीं हो पा रहा अभी कुछ भी। तो खैर, कुछ तो थोड़ा बहुत तो होगा, देन हम लोग आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। एंड पापा जी के पसंद का सब्जी आज मम्मी जी बना रही हैं, उनको जो सब्जी पसंद है वो पापा जी के लिए मम्मी जी आज बना रही है। तो मैं दिखाती हूँ कि मम्मी जी आज क्या बना रही है, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी। थैंक यू। तो क्या बना रहे हैं आज आप? अरे पापा को ये बहुत सब्जी पसंद है, बेसन का चना दाल का फुला कर पीस कर घाट को बनाते हैं, तो उनको बहुत पसंद है। चलो अब वो तो रहते हैं नहीं यहाँ, तो सोचे कि कुछ बना दे उनके लिए, सब्जी ही बना दे कम तेल मसाला में। ये वाला सब्जी तो हमको आता नहीं है बनाने के लिए। कुछ कुछ सब्जी आप ही के हाथ का ज्यादा अच्छा होता है। तो कम तेल मसाला में सोचे घर पे बना दे, होटल तो जाने के लिए मना कर, हम ही मना कर रहे हैं कि उनको अभी डॉक्टर मना कर रखा है जाने के लिए, अभी तेल मसाला खाने के लिए। ठीक है, आप बनाइए और हम खड़े होकर देखते हैं कि आप कैसे बनाइएगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम भी कोशिश करेंगे बनाने का। आपको गिफ्ट दे दो, कुछ गिफ्ट नहीं दोगी दादी को? आज एनिवर्सरी है तो है, खड़ी हो, देखो देखो वहाँ दादी को गिफ्ट लेकर आ, जल्दी से खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। गाइज, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ एंड देखते हैं मम्मी जी भी रेडी हो रही है, आज उनका स्पेशल डे है, तो देखते हैं वो कैसे रेडी हो रही है, क्या पहन रही है। तो मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को वीडियो में। एक्चुअली उनको पता नहीं है कि मैं उनको वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो अपना मेकअप कर रही है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मम्मी जी रेडी हो रही हैं, बहुत प्रिटी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट वेटेड साड़ी, बहुत प्यारा साड़ी है ये। तो आज साड़ी पहनी है मम्मी जी एंड रेडी हो रही हैं। रेडी होंगी फिर हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे, उसके बाद एक जगह हम लोगों का इनविटेशन है, जो गाइस आप लोगों के लिए सस्पेंस है, वहाँ पर एक्चुअली जाएंगे तब पता लगेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करेंगे वो आप लोग हमारे वीडियो के जरिए ही देख सकते हैं। कहाँ जा रही है बेटा? दादी के साथ कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही है। हाँ हाँ, मंदिर जा रही है। दादी को एनिवर्सरी गिफ्ट क्या दी? रोज दी, रोज। अच्छा, लहसुन का रोज दी? लहसुन का रोज, वीडियो बोला नहीं। दादी को रोज दी ना बेटा? अब वो तुम्हारा सीट है जो डेली जाके वहाँ बैठ जाती हो?
किसी का सीट है, मेरा है। डेली बिना बोले जाके वहाँ बैठ जाती है। ठीक है, सीट है वो। ओके। हाँ बेटा, बाबू हाय बोलो। हाय। उधर तक। हाँ बस। नहीं ठीक है ठीक है, आराम से। अभी दूर जाना है, दूर जाना है। हाँ बेटा, मंदिर जाना है, फिर कहाँ कहाँ जाना है? अभी मंदिर जाएंगे, उसके बाद कहीं इनविटेशन है जो कि वीडियो में बने रहने पे ही पता लगेगा कि उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ बेटा, गोदी। यही होता है बेटा, तुम आगे बैठोगे तो बोलोगे गोदी गोदी, पीछे बैठोगे तो गोदी। चलना है, दूर जाना है बेटा। हाँ बेटा, खड़ी रहो खड़ी रह के चलो, कितना अच्छा तो लग रहा है। दूदी पहले बोलो, माँ लव यू। हाँ, ले रहा बेटा। मंदिर से तो वापस आ गया, दर्शन हो गया माता रानी का। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह जहाँ के बारे में आप लोगों को अभी बताया नहीं हमने तो चलिए पहले वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं एंड वहाँ क्या होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए। चल जाएगा किसी दिन, ऊपर तो पता चलेगा। मैंने रोड को खरीद लिया, पार्किंग वाला सबसे ना बहुत देखे थे यहाँ पे। सो गाइस, रिलायंस ज्वेलर्स में हम लोगों को इनवाइट किया गया था यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज मम्मी जी हमेशा परचेज करते रहती हैं यहाँ पे, यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तो यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो चलते हैं अंदर, सेलिब्रेट करते हैं। गाइस, रिलायंस में हमारा सेलिब्रेशन हो चुका है, उन लोगों ने इनवाइट किया था, ये उनका बहुत बड़ा, हम लोग थैंकफुल रहेंगे। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को एक्चुअली। तो एक होता है कि कस्टमर्स को उन लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ओकेजन टू ओकेजन वो लोग इनवाइट करते केक कट करवाते हैं, तो बहुत अच्छा उनका जेस्चर है ये, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग ने सेलिब्रेशन कर लिया एंड नेक्स्ट हम लोग डोमिनोज के लिए जा रहे हैं। पापा जी को हम लोग नहीं लेकर आए, पापा जी खुद नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि लोग बहुत जगह जाने वाले हैं, कभी इधर कभी उधर, उनको एकदम अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। तो पापा जी साथ में नहीं आए, तो हम लोग पापा जी के घर पर बनेगा कचौड़ी, मटर की कचौड़ी। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले डोमिनोज चलेंगे, पिज्जा खाएंगे, देन उसके बाद घर पे कचौड़ी वगैरह बनाएंगे, खाना खाएंगे। तो अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं, शक्ति मंदिर, जो धनबाद का बहुत ही जागता मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी का दीप जलता है, वहाँ से आया हुआ। तो चलिए आपको मैं पैक करके दिखाता हूँ। तो ये मंदिर का रास्ता है ऑलमोस्ट, और ये मंदिर है, शक्ति मंदिर। चलिए ऊपर चल के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। बाबू का पिचकारी का शॉपिंग शुरू हो गया है होली के लिए। ये देखिए, वो खुद जाकर चूज कर रही है, उसको कौन सा चाहिए वो चूज कर रही है। कौन सा चाहिए बेटा? ये तुम्हारे हाइट से भी बड़ा है। मुखौटा दे दीजिए मामी जी उसको, मुखौटा वो वाला दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बच्चा के लिए भी कुछ छोटा सा है क्या? बच्चा के लिए छोटा सा कुछ है क्या? इस स्मोक टाइप में कुछ छोटा सा है बच्चे के लिए? नहीं नहीं, इतना काफी है, इससे ज्यादा क्या? भवानी नहीं है,
उसको रंग पढ़ाने आएगा। हाँ ले लीजिए, बाबू के लिए छोटा सा ले लेते, ये ले ले। इसमें और भी देखो कुछ बढ़िया सा हो, ये डब्बा चले, इसमें ये गिरी नहीं है, हलवा तो खा, यही ज्यादा चल रहा है अभी, मत है। हेलो, एक मेरे लिए कुछ ले लीजिए, कुछ कर्लिश टाइप का है क्या? यही है, एक ही 47 आपको डालेंगे ना। ये हैट 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 देखिए तो जरा, मम्मी जी ये पिचकारी लेगी, हैट अच्छा लग रहा है, होली में अच्छा लगेगा। क्या लोगे बेटा? हाँ मम्मी जी, फंकी चीज पहना जाता है इसमें। हाँ हाँ, तो फंकी कुछ देखिए, कुछ भैया लड़कियों के लिए फंकी चीज पहनने के लिए दिखाइए ना कुछ होली में। देखिए जो कुछ है, अच्छा बच्चा लोग का बाल नहीं है जो आता है ग्रे कलर में, बाल वाल आता है पहनाने के लिए। ये कितने का है? कौन बोल रहा है? सर नहीं, इधर है। देखिए फंकी लुक में, देखिए भाई यहाँ पे अच्छा है इतना सारा। है वो है अपने घर पे बट टूट गया। मम्मी जी देखिए ना फंकी लुक में, हाँ अच्छा लग रहा है ये, फिर मजा आएगा ना, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कौन सा अच्छा लग रहा है देखिए तो आप, क्या बोला ना, वो क्रिसमस ऐसा लग रहा है। हाँ वो सब हैट मत लो अंकित, ऐसे होली हैट नहीं है। हाँ ये तो ये ले लो, हाँ बेटा बोलो। वो कलर है बेटा, वो कलर है, वो बच्चा लोग नहीं लेता है बाबा। हाँ बेटा बोलो, देखो तुम्हारे लिए वहाँ पे, देखो पापा लिए, देखो जा ले लो। क्या मामी जी लग रहा है कि पूरा फ्री का लगा हुआ, उठाई जा रही है, उठाई जा रही है। भैया उस हैट का रेट बताइए ना। तो ये हमारा होली का शॉपिंग, Oh my God.
है।